अबू धाबी हम लोग पहुंच गए थे कल, एंड उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का बिकॉज इतनी मीटिंग्स थी, फिर उसके बाद बाहर वगैरह जाना था थोड़ा, तो सेटल डाउन होने में टाइम लग गया बेसिकली। बट दिस इज़ डे टू इन अबू धाबी, मतलब आज मेरा ऑफिशियली फर्स्ट डे है जिसमें मैं प्रॉपर सो के उठा हूँ। अभी अप्रॉक्सीमेटली 10 बज रहे हैं एंड हम लोग निकले खाना ढूंढने, ठीक है। हम लोग मतलब क्या, मैं अकेला ही निकला हूँ, तो खाने के लिए देखो क्या मिलता है। ये कुछ है मतलब मेरे होटल के आसपास का एरिया जहाँ पे विल गेट स्टफ, जैसे पता नहीं यार, यहाँ पे एक कल मैंने डिनर किया था तमिल ढाबा नाम के एक रेस्टोरेंट से, तो वो प्रॉपर इंडियन था, वहाँ पे सारा साउथ इंडियन खाना मिलता है। तो या तो मैं सोच रहा हूँ वहीं चला जाऊँ या फिर देखते हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेसिकली यहाँ पर दिक्कत ये है कि ऑप्शंस इतने सारे हैं बट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू बाय या व्हाट टू ईट। तो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े एंड स्टफ, एंड आई वेंट शू शॉपिंग आल्सो यस्टरडे, तो मैं दिखाता हूँ वो वाला आउटलेट भी जाके दिखाऊंगा अगर आज टाइम मिला तो, नहीं तो कल ऑफिस के बाद तो ऑब्वियसली घूमना ही है यार, क्योंकि और क्या ही करेंगे। सुबह 9 से 2:30 ऑफिस है, ऑफिस ख़त्म होने के बाद तो कुछ करने को होगा ही नहीं, तो यही करेंगे टाइम पास, थोड़ा घूम लिया कुछ। बट यहाँ पे यार दिन में निकलना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी टफ। और ये यहाँ का एक काफ़ी बड़ा मॉस्क है, आप जैसे देख सकते हो, दिस इज़ अ मॉस्क एंड दिस इज़ द एयरपोर्ट रोड जो आगे आने वाला है। और कल मेरे साथ रात को एक बहुत वियर्ड इंसिडेंट हुआ था, और उससे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे बाहर जब आप घर से बाहर हो या आप अपने ऑफिस से बाहर हो तो लोग जनरली इंटरनेट यूज़ ही नहीं करते, ओके। बिकॉज कल रात को, मतलब ये पूरा इंसिडेंट मैं रूम में जाके बताऊंगा प्रॉपरली एंड मैं रूम टूर भी दे दूंगा इसके बाद, बट फॉर नाउ देखते हैं, लेट्स रीच तमिल ढाबा और देखते हैं क्या खाते हैं। अभी कुछ ऐसा सीन हुआ कि मेरे को चाहिए था एक पेन, बिकॉज मैं पेन्स लाना भूल गया था, तो कोई भी नोट्स वगैरह नहीं बन रहे थे, कोई शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, तो मैं रुका यहाँ पे शॉप्स है जिनका नाम है बकाला, ठीक है। तो बकाला पे आपको सारा कुछ मिल जाता है विच इज़ ऑफ द नीड, कि मतलब जनरल नीड हो गया या फिर होता है ना, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, डेली यूसेज की चीज़ें, और आपका फ़ोन वगैरह भी रिचार्ज हो जाता है वहाँ पर। तो बकाला पे रुका एंड एक नॉर्मल जो हम लोग का इंडिया में अमूल का मिल्क शेक होता है वो लिया एंड अ पेन, एंड इट कॉस्टेड मी 4 dirhams। तो 4 dirham कितना हो गया, 88 rupees, जो ठीक है, 88 rupees का एक शेक और एक वो, नॉट बैड। तो अभी दिस इज़ आई गेस एन हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल सॉरी, ये कराटे क्लब वगैरह है इनका ये पूरा, एंड पीछे ये इनकी
मॉस्क है, दिस इज द हेल्थ सेंटर। सो ठीक है, अभी रोड वगैरह क्रॉस करके आराम से मैं तमिल ढाबा पहुँचता हूँ एंड देन वील कंटिन्यू। ऐसा कुछ एम्बियंस है भाई यहाँ का, क्रेजी। कम से कम इंडियन खाना मिल जाता है भाई, सही बता रहा हूँ मैं तो। अभी ये बोल रहे हैं कि 10-15 मिनट लगेंगे रेडी होने में, क्योंकि ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है और लंच रेडी हो रहा है, बिकॉज आई हैव कम एट 11:45। तो अभी ना ये लंच का टाइम है ना ये ब्रेकफास्ट का टाइम है। देखो क्या करता हूँ, सोच रहा हूँ कॉफ़ी पी लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। मेरे को तो मन है कि एक नॉनवेज थाली खा लो या कुछ, लेट्स सी। एंड एक बार हो जाता है तो फिर निकलते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तो आई एम गोना वेट 10-15 मिनट्स बोला, तो 15 मिनट रुकते हैं, एक बार हो जाएगा तो फिर चलते हैं। खा पी के दिखाता हूँ मैं कैसे खाना है। भाई तो ज़्यादा हो गई बिरयानी, मुझे लग रहा है ज़्यादा मंगा लिया, बट ठीक है पैक करा के घर ले जाऊँगा, क्योंकि ये पूरा कितना 15 दिरहम का, 15 दिरहम मतलब 220 और 130 रुपए के आसपास का। तो ठीक है उतना तो वर्थ ही था यार, मतलब आई थिंक इतना तो चलता है, बिकॉज 15 दिरहम में इंडियन खाना मिलता है बहुत है। तो आधा खा के आधा घर ले चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा तो खाया नहीं जाएगा। तो मैं आपसे खा के मिलता हूँ, बाय बाय। ओके, सो दिस कम्स टू एन एंड फॉर द व्लॉग 1। ठीक है एक सेकेंड, मैं अपना फ़ोन ट्राईपॉड पे लगा के फिर आपसे बात करता हूँ, 2 मिनट्स। ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द फर्स्ट व्लॉग। यार अभी सीन ऐसा है कि पूरे वीक फ्रॉम, ये आपने जो फुटेज देखी वो संडे की थी जब मैं लंच करने गया था, उसके बाद से लेके एक हफ्ता बिल्कुल टाइम नहीं मिला। दिस इज द नेक्स्ट संडे, आज डेट है 14th May। ठीक है, और वो फुटेज है, आई टेल यू व्हेन, वो मतलब वही लास्ट संडे की, 7 दिन पहले की फुटेज है। और बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि फर्स्ट वीक एट ऑफिस था, तो 4 दिन लग गए बच्चों के साथ, बिकॉज आई हैव कम हियर फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एंड टेल यू हाउ आई केम एंड द एंटायर थिंग, कि मतलब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बट फॉर नाउ ये है कि हाँ, एक हफ्ता मिला नहीं यार काम करने के लिए, मतलब व्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए। बट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ट्राई कि हाँ एटलीस्ट हफ्ते में एक व्लॉग डाल दूँ एंड टेलिंग यू गाइस कि क्या चल रहा है यहाँ पे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बाकी आई होप यू लाइक द व्लॉग, इफ़ यू डिड हिट द लाइक शेयर एंड कॉमेंट डाउन बिलो, आपको क्या सही लगा क्या बुरा लगा, सो दैट आई कैन गेट बेटर व्लॉग्स फॉर यू गाइज एंड आई विल कीप गेटिंग कॉन्टेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।